भाई तेरा। का मोहन लाल आर्या। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है, कुछ समय पहले जो हमारे किसानों की समस्याएं नहीं थी, आज वो दिन और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है पानी की खस्ता हालत की वजह से। क्योंकि डैम की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि जिसका कोई जवाब नहीं। फाटक टूट जाती है, अधिशासी अभियंता बरेली डिबार्ट उस पर ध्यान नहीं देता है, और समर भी जाती है तो जो उसका जो चौकीदार होता है टंडेल, वो मछलियों के संबंध पकड़वाने वालों से पैसे लेकर वो पानी को नदी में छोड़ देता है। जब पानी नदी में छोड़ देता है तो सोहड़े से लेकर और बंसी मड़वा वर्ग तक जितने नहर संबंधित गांव हैं, उन गांवों में खरीफ की, रबी की, जायद की सब फसलों को पानी ना होने के कारण किसानों को समस्याएं पैदा हो जाती हैं और फसल नष्ट हो जाती हैं। इसलिए किसानों को मुसीबत का सामना अपने आर्थिक संपत्ति से जूझना पड़ता है। फिलहाल में क्या परेशानी है? फिलहाल में ऐसी स्थिति में हम सरकार से, सिंचाई अभियंता विभाग से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारी तत्काल डैम की प्रक्रिया दुरुस्त सही करा करके और नहर में पानी छोड़ा जाए, जिससे खरीफ की फसल में पानी लगकर किसानों की धान की फसल की अच्छी उपज पैदावार मिल सके, जिससे किसानों में खुशहाली का दौर गुजरे। नहीं, अब जो नहर में पानी नहीं आ रहा है तो किस तरीका की समस्या हो रही है किसानों के लिए? हाँ, नहर में पानी ना आने के कारण किसानों के लिए उसमें बीमारियां पैदा लग रही हैं, फसल सूख रही है, पानी लगाने में दिक्कत हो रही है। जिनके पास पंप सेट नहीं है वो किराए लगा रहे हैं और अधिक मार्जिन पर धन पैदा खर्च करना पड़ रहा है, जिससे उनके सामने समस्याएं पैदा हो रही हैं और पानी ना लगने के कारण फसल सूख भी रही है। गर्मी कम है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से, सिंचाई विभाग अभियंता डिपार्टमेंट से निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारी किसानों की समस्याओं का तत्काल जांच करके तुरंत उसका समाधान किया जाए, जिनसे जनता को लाभ मिले। कितने गांवों के लोगों को नुकसान हो रहा है लगभग किसानों? यहाँ के लगभग सोहरा से लेकर बंसी मंडवा भर तक, अनंतपुर तक लगभग 20-25 गांव ऐसे हैं जो दो माइनर बसई से दो माइनर निकली हैं। एक तो अनंतपुर अक्षरा को निकल गई, एक बंसीपुर मंडवा को निकल गई है। उस दोनों मानरों पर 20-25 गांव ऐसे हैं जो सिंचाई संबंधी साथ है। तो इसके लिए शिकायत करी है आपने कहीं? हाँ, शिकायत मैंने कई बार कर चुका हूँ, बरेली डिपार्ट को भी कर चुका हूँ और तहसील दिवस समाधान दिवस में भी मैं दे चुका हूँ, मगर डीएम साहब को इस प्रार्थना पत्र पर कोई ध्यान ना दिया गया, जिससे जनता में आक्रोश है और जनता निवेदन कर रही है कि हमारी किसानों की समस्या निदान की जाए, जिससे खुशहाली का दौर आए। क्या नाम है तुम्हारा? भूपराव। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है कि साहब, पहले पानी जो है नहर में जो है बोरी लगा के और फाटक संभाल के और पानी नहर में आ गया था, तो पानी कुछ बोरवेल से इंजन से यानी लगा लिया था, अब पानी वो नहीं आ रहा है और नदी में सारा पानी जो है छोड़ दिया है और उसकी कोई देखभाल नहीं है और धान सब सूखे जा रहे हैं। और एक प्रार्थना पत्र 20 तारीख के लिए हमने एसडीएम साहब को दिया था, उसमें जेई साहब ने कहा था कि मैं बोरी लगा के पहले की तरह पानी मैं भेज दूंगा, तो साहब अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या हमने दोबारा, क्या दिक्कत हो रही है पानी न आने से, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी जो हो रही है साहब, सब धान सूखे जा रहे हैं
और धानों में भारी किल्लत है, बीमारी लग रही है, पानी है ही नहीं साहब, सूखे जा रहे, पानी लगाया कहाँ से, गन्ने का पेमेंट है वो भी नहीं आ रहा, अभी जिससे पैसा हो और पानी लगा ले बोरिंगों से, इस वजह से ये भारी समस्या है। और एक की नहीं साहब, बहुत 8-10-15 गांव है यहाँ पे, तो उनको सबको भारी समस्या है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाह रहा है कि जो फाटके हैं या बोरी लगा के उसको पानी संभलवा के और पानी नहर में आ जाना चाहिए, जो कि सिंचाई हो सके।